जब हम पोथी पाठ बिठाते हैं या किसी के निमित्त पूजा करवाते हैं तो फैमिली मेंबर्स को क्या परहेज करना चाहिए? देखिए मोनिका महाजन, ये प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। कई लोग हैं जो पोथी पाठ बैठाते हैं या जिनके निमित्त कहीं जाप चल रहा है, किसी के लिए पूजा चल रही है, तो उतना समय बड़ा कीमती होता है। अब भले ही आपने पोथी पाठ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वृंदावन में बैठवाया, गया जी में बैठवाया और आप रह रहे हैं हिमाचल में, तो जितने दिन का आपका पोथी पाठ है, जो समय अवधि है, उतने समय आपके यहाँ जीवन में पूरे परिवार में एटलीस्ट अपनी फैमिली के अंदर हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारे घर में ही पूजा चल रही है। और हमारे घर में ही पूजा चल रही है जब ये मान के चलेंगे तो सात्विकता, शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन और लहसुन प्याज का न बनना, अनेकों अनेकों व्यवस्थाएं, सात्विक व्यवहार, प्रेम से रहें, क्रोध न करें, गलत आचरण न हो, इस खान पान का विशेष ध्यान, इन सारी चीज़ों का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, हमें जब पोथी पाठ करवाते हैं कई लोग, तो कुछ लोग हमें फ़ोन भी करते हैं और कहते हैं जी हमने पोथी पाठ कराया, हमें बहुत लाभ हुआ। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि आपको किस तरह का लाभ हुआ और आपने जब पोथी पाठ कराया तो क्या नियम अपनाए? तो वो कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ हो रहा है या जो आप बताते हैं कि सारे नियम फॉलो करो, जी सोचो आप ही के यहाँ हो रहा है शुचिता शुद्धता, पर जब टीवी पर आरती होती है तो हम भी आरती घुमाते हैं और दोनों आरतियाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं और हमें लाभ हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य समझना आप, व्यक्ति अगर इस नियम को फॉलो कर रहा है तो चाहे सामने हो या दूर हो, लाभ होगा। और अगर कोई सोच रहे हमने तो पैसे भर दिए अब क्या देंगे, आप तो जो करना है सो करो, पोथी पाठ होता, पोथी पाठ के पैसे दे दिए हमारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ना आपको कोई लाभ होने वाला। ध्यान रखिएगा, अगर आप उस दर्शन को वैसे ही जोड़ के चलते हैं कि आपके घर में हो रहा है तो आपको 100% लाभ होगा। कल को आप कहें आपने कहा था पोथी बिठलवाओ ये हो जाएगा, या आपका ग्रह शांति होनी है आपने ग्रह करवा तो आप नहीं करोगे, तो मैं क्या करूँगा उसमें? तो व्यक्ति को अपने लिए स्वयं करना होगा। धन्यवाद।